जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। कथित सुशासन के खिलाफ बरसे पप्पू यादव, कहा अतिक्रमण हटाने के नाम पर हो रही है गुंडागर्दी। बिहार में अपराधियों और माफियाओं का राज चल रहा है, रोज हत्याएं हो रही है और राज्य की पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय गरीबों के आशियाने उजाड़ने में लगी है। उक्त बातें जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने जिले के रामगढ़वा प्रखंड स्थित जाप के प्रदेश युवा महासचिव धीरज सिंह के आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पटना के राजीव नगर और नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से गुंडागर्दी की वो अक्षम्य है। उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा है प्रदेश में बुलडोजर की सरकार नहीं चलेगी। जाप सुप्रीमो रक्सौल में पिछले दिनों ड्रग्स माफियाओं द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिए गए युवक के परिजनों से मिले, उन्हें सांत्वना दी तथा तत्काल 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी। पप्पू यादव नेपाल के वीरगंज में आयोजित लाड वसव जयंती महोत्सव एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के क्रम में यहाँ पहुँचे थे। इसके पूर्व रामगढ़वा में जाप के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव का भव्य स्वागत किया। अपराधी है कौन? वर्तमान में जो माफिया है अपराधी है। इसका मनोबल कहाँ से बढ़ता है? हिम्मत कहाँ से आती है? मर्डर क्यों होता है? बलात्कार की घटना क्यों बढ़ी? रामगढ़वा में दो सगे भाई की जो हत्या हुई कठुआ में, क्या लगातार मोतिहारी में जो दो व्यवसायियों की हुई फिर एक घटना घटी, क्या बिहार में कल हम पुनपुन में थे जहाँ दो सगे भाई की हत्या कर दी गई जमीन माफियाओं के द्वारा? पटना नालंदा और हाजीपुर तीन दिन में लगभग 11 हत्या हाजीपुर में, जिसमें सोना व्यापारी दो, तीन दिन में हम 9 हत्या में वहां जा चुके। और हाजीपुर में दो केंद्रीय मंत्री, एक होम मिनिस्टर और एक पारसवाल, राघोपुर भी वहीं है विपक्ष के नेता, और नालंदा मुख्यमंत्री का घर है। अब मोतिहारी दो दो श्रेष्ठ कर नेता का घर है, तीन तीन, और डिप्टी सीएम भी है। जायसवाल जी भाजपा के अध्यक्ष हैं, सुपर मिनिस्टर हुए, डिप्टी सीएम है उससे छुटका हुए, राधा बाबू हैं जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं महान हुए, बगल में हमारी बहन है, बीजेपी का ये गढ़ है साम्राज्य शिवहर मोतिहारी बेतिया बगहा, ये जो दुर्गति है ना, कि हम बच्चे में आते थे तो केन कास्ट क्राइम, कास्ट केन क्राइम पीसी, और आज भी हम जाति क्राइम से ऊपर गन्ने की स्थिति। आप गन्ने की चर्चा कर लीजिए, किसान सुन पे चला गया, क्राइम प्रकाष्ठा पर 27% बढ़ जाएगा, समोसा खाने की स्थिति मिडिल क्लास और कॉमन मैन की नहीं होगी, तो क्राइम किधर जाएगा? अब क्राइम कोई मैटर और मुद्दा इस बिहार में और यूपी में नहीं है, खास तौर पे बिहार में नहीं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।